साथीगण से विदार अनुरोध है मेरा कि अनावश्यक प्रस्तावक समर्थक या जो जरूरी जिसकी उपस्थिति है उसके छोड़ करके पालतू लोग फालतू लोग या अलग से लोग कैंपस के चलिए एक और प्रत्याशी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और शिक्षित हैं, कर्मठ हैं और कहीं न कहीं समाज को संदेश देने वाले एक व्यक्ति हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप देख सकते हैं कि पूर्व में दो बार सरपंच जा चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप क्या कहेंगे, आज आपका नॉमिनेशन हो चुका है और साथियों आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है हसनपुरा नगर पंचायत क्षेत्र में, हसनपुरा नगर ब्लॉक में। यहाँ पे एक प्रत्याशी है जो युवा है, महिला है, महिला नहीं कह सकते, एक युवा लड़की है। आप देख सकते हैं कि पहली बार इस क्षेत्र में एक ऐसी लड़की युवा बनकर आई है जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां करिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और क्या नाम पड़ेगा आपको? बहुत शुक्रिया। रानी कुमारी जी, शिवानी कुमारी जी। शिवानी जी, आपको पता है कि चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही है, कैसा लग रहा है आज? क्योंकि हमें लगता है कि आपकी जीत घोषित हो चुकी है, एक पहले ही से आपको उमंग, क्योंकि आप एक लड़की हैं और आपको देखते देखते बहुत लोग यहाँ आपको मार्गदर्शन मानेंगे। चलिए आपके समर्थन में आप आए हैं, सबसे पहले आपको बधाई देनी चाहिए। मोतीलाल प्रसाद, मोतीलाल जी बताइए कि आप समर्थन में जो आप लड़की को उठाए हुए हैं और शिवानी जी को प्रत्याशी बनाए हुए हैं, किस सोच के, किस विचारधारा के आप लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप एक गरीब की लड़की है, फूल बेचने वाली की बेटी जी। मैंने एक गरीब लड़की को उठाया और सरकार की जो सराहना कि हर आदमी को इस पद के मिले, मैं सलाह की सराहना करता हूँ कि वहाँ तक तो पहुँचने के लिए हर बिरादरी को, हर जाति को, हर समुदाय को, इसलिए मैंने इस गरीब लड़की को चुना है ताकि इसका भी अपना। आप लोगों की प्राथमिकता क्या रहेगा, चुनाव किस मुद्दे पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि नगर पंचायत हसनपुरा है, यहाँ पे तमाम तरह की लूट घुसर हुआ है, तमाम तरह की परेशानियां हुआ है, जैसे शौचालय पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, नाला नाली पे देखा जाए। अभी भी आप देख सकते जिस रास्ते से जाएंगे अभी भी वो पानी पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्या घिरा हुआ है। नगर पंचायत वार्ड नंबर जो भी है 19 वार्ड है यहाँ पे, तो आप तो पूरे क्षेत्र के चुनाव लड़ा रहे हैं, प्रस्तावक आप ही हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो इस बीच में क्या कहना चाहेंगे? हम तो खैर पहले एक ही पंचायत के मुखिया हुआ करते हैं, मेरे पंचायत में मुखिया रह चुके हैं जी जी, 10 साल मुखिया हैं, 10 साल मुखिया चुके हैं, अनेकों विकास हुआ है, अनेक विकास है, विकास के नाम बताइए कितना बताएं? पांच बताइए, अनगिनत है, पांच बता दीजिए, अनगिनत है, कितना बताएं आपको? दो बता दीजिए। यहाँ से आप बाजार तक जाइएगा, छोटा किसी जो सड़क हुआ है वो हम ही बनाए हुए हैं, किसी जगह भी बनाए जी। अच्छा, अभी इनको लड़ा रहे हैं तो अभी चलिए एक बात की बात है, अभी नगर वार्ड में जुड़ा हुआ है, पंचायत में विकास अलग होता था लेकिन नगर में अलग पैसा आएगा, अलग फंड आएगा, उसको लेकर जनता से क्या कुछ है? क्योंकि यहाँ पे इतने जनता लोग देख रहे हैं आपको समर्थन दे रहे हैं, जिस लड़की को, जिस पर उनका कैसे, तो चलिए क्या कुछ कहेंगे? प्राइम न्यूज इंडिया, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है हसनपुरा नगर पंचायत में और एक और प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करके लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके साथ में कितनी जनता इनको समर्थन देने के लिए आई है और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए चलते चलते हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोतीलाल प्रसाद। मोतीलाल प्रसाद जी, आप चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, चेयरमैन चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं लड़की को, उनका नाम क्या है? शिवानी कुमारी। ये जो समर्थन देने का आपने एक पहल लिया है, आप पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, किस सोच के अनुसार आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है हसनपुरा नगर पंचायत में, एक और प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करके लौटे हुए हैं, राजेंद्र चौधरी जी, हसनपुरा नगर पंचायत से वार्ड नंबर 17 से। तो ये इनके साथ में समर्थक लोग हैं और चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे भी क्योंकि नॉमिनेशन कर चुके हैं और बहुत खुशी की माहौल है। चलिए एक और प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 17वां वार्ड से। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा आपका?
उठाने का मुद्दा यह है कि जनता का जो भी काम है, जो भी कार्य करता है, हमारे पास आएंगे, उसका आदर भाव हम सही प्रकार से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। हमारे पास कोई लालच नहीं है। हम पहले 20 में आगे थे तो किसी आदमी से 5 रुपया हम नहीं ले रहे। आपका नाम क्या हुआ? नाम राजेंद्र चौधरी है। चुनाव जो मन दिख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मैदान में बहुत लोग आ रहे हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम अपना वार्डे थे, वार्ड सदस्य थे पंचायत में। आपका पंचायत अब नगर में आ चुके ना। वार्ड नंबर 17 में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, जैसे नाला नाली रोड समस्या हो गया। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे महिलाएं आजकल चाहे कल भी सोच के बाहर जाती है। गांव देहाती तब का इलाका है अभी तो। आपके क्षेत्र में विकास किस प्रकार होगा आपके आने से? बहुत अच्छा होगा, जैसे भी अच्छा हम चाहेंगे। जैसे आपका मौलिक अधिकार क्या रहे, मौलिक अधिकार क्या होगा जनता के प्रति? अधिकार तो भाई हमारे देखने से अच्छा ही, मतलब जनता के बीच में कौन सा काम करेंगे सबसे पहले जीत के आएंगे? मेन काम क्या रहेगा? मेन काम नाला नाली रोड समस्या, शिक्षा, शौचालय, शिक्षक का, पढ़ाई का, जनता का पढ़ाई। क्या अपील करेंगे? प्रस्ताव कौन आपके? लाल बहादुर जी, तो इस बार चुनाव के मूड में आप थे, पहले भी आप जनता के बीच रह चुके हैं और समर्थन आपको मिल रहा है। चलिए अपने पर्चे बता दीजिए। पर्चे जलाल राजेंद्र चौधरी। चलिए धन्यवाद।